एलएनजेपी के मोर्चरी में तमाम लोग अपनों को ढूंढते हुए पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ एक महिला हैं जिनका 12 साल का भाई इस अग्निकांड का शिकार हुआ है। क्या नाम था आपके भाई का? अकबर। है? अकबर। अकबर कितनी उम्र है उसकी? 13 का है ना, 13-14 का होगा, 12-13 का है। तो वो उस फैक्ट्री में काम करता था? काम नहीं करता था, वो पढ़ने लिखने के दिया ना, तो बदमस्ती करा तो सोचा कि जब थोड़े कुछ दिन दे देंगे ना तो बच्चों थोड़ा अकल ठिकाना आ जाएगा तो फिर पढ़ेगा, फिर ले आएंगे। पीछे में यही हालात हो गया। अच्छा, यानी कि वो वहाँ पे सो भी रहा था जिस वक्त ये होता है? हाँ, उसी में फैक्ट्री में काम करके वहीं सोता था। अच्छा, वहीं पे सो। तो कुछ पता नहीं लगा अभी कि कहाँ क्या है? कितने अस्पतालों में आप गई हैं अभी तक? हम नहीं गए, ढूंढने वाला सब गए थे, हम आप आए। अच्छा, वहाँ पे गए, क्या पता लगा अभी आपको यहाँ पर? यहाँ पता लगा है जो अंदर में आप बोला है, जो अंदर में है, फोटो खींच के ला रहा है, दिखा रहा है। अच्छा, वही फोटो से अंदाजा लगा है जो इसमें है। अब आपके कौन है जो गायब थे? वो सर मेरे भाई हैं, सगे भाई हैं। क्या नाम है? शाकिर हुसैन। कहाँ के रहने वाले? वो मधुबनी जिला गांव मलमल के रहने वाले हैं। आपको क्या पता लगा था, कब पता लगा? सर आज हमें सुबह में 4 बजे करीब जो है घर से इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई, वो मेरे छोटे वाले भाई हमको फोन किया कि भैया वो शाकिर भाई की जो है कारखाने में आग लग गया। मैं उस टाइम में सोया ही हुआ था तो मैं फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि भाई जाइए थोड़ा उनको जो है हेल्प करिए, जाकर के बजाय देख लीजिए क्या सिस्टम है। तो मैं फिर वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद जो है सर मैं वहाँ गया तो देखा काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ था। मैं उनके फैक्ट्री के जितने भी लोग थे जानने वाले सबों से मैंने पूछा कि भाई वो मेरे भाई कहाँ हैं। सबों ने कहा भाई वो तो निकले हुए थे मगर फिर पता नहीं कहाँ चले गए वो। तो आप कितने बजे अस्पताल पहुँचे? मैं अस्पताल सर 7 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। कब आपको पता लगा कि भाई का? सर अभी हमें पता लगी है, अभी 10-15-20 मिनट पहले समझ लीजिए कि हमें पता लगी है कि भाई मेरा भाई जो है यहाँ है। एक्चुअल मैं पड़ोस में हूँ तो मुझे सारे ही लोग मेरे जानकार हैं, सारे जानने वाले हैं, क्योंकि गांव से भी पड़ोस में है और यहाँ भी पड़ोस में रहते हैं। जानने वालों की अभी तक मिनिमम उस बिल्डिंग में 300 लोग थे मिनिमम। कितनों की डेथ कंफर्म हुई है? डेथ कंफर्म यहाँ जो अभी हम लोग आए इस हॉस्पिटल में 34 हैं, 34 में से 29 हमने वेरीफाई कर लिया, उनके रिश्तेदार आ गए हैं यहाँ पे प्रेजेंट में हैं। 4-5 बॉडी है वो पहचानी जा रही है, वो भी तुरंत कंफर्म हो गई। 11 हैं, गांव समाज के ही हैं, टोटल परिवार नहीं है, मतलब अलग अलग है, कोई एक घर से है कोई दूसरे घर से है, और उसमें की 2 की पहचान हो गई है, बाकी का तलाश देख रहे हैं अभी। 2 जो पहचान हुई है क्या जख्मी है क्या? नहीं, 2 पहचान तो डेथ हो गई है। अच्छा, क्या नाम है उनके? इसका नाम है अपना नाजिम, नजीम मोहम्मद नजीम, और एक ये अभी है ये तो थर्ड फ्लोर पे सही सुरक्षित नजर आ रहा है, वही देखने जा रहा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब सहरसा जिला और नड़ियार के हैं। अच्छा, इस फैक्ट्री में कब से काम कर रहे थे? ये करीब 10-11 साल से काम कर रहे थे। आपके कौन लोग हैं इनमें जो? लड़का है, बहन का लड़का। क्या नाम? मुबारक। मुबारक कितनी उम्र होगी उसकी? मुबारक का 25 साल, एक लड़की है उसका शादी हुए है। अच्छा, एक भाई 18 साल का है। तो यानी आपके कुल 11 लोग रिश्तेदार लोग इस परिवार में? हाँ, अपने गांव का है, अपना गांव समाज का है सब, लेकिन 2-3 जो है सब अपना खास है। सर इनके पिताजी है जो है अनुलाख नाम है उनका, उनका उम्र है 65 साल, और इनके बहन का आदमी है, ठीक है, ठीक है जी। उनको देखने के लिए हम आए क्योंकि हम उनसे मिला नहीं तो इसीलिए हम देखना चाह रहे हैं। किन और अस्पतालों में आप गए थे? नहीं, पहले मुझे यहाँ का खबर मिली है, पता लगा यहाँ पे कहाँ है जी। नहीं, अब इनको बंदे बताया यहीं पर है, अभी तो हमने देखा नहीं है। कोई डॉक्टर मिलना चाहिए? सर मैं अभी तो देखने के लिए आया हूँ, मुझे देखने नहीं दे रहे। देखा दो थोड़ा सा नहीं हो, थोड़ा देखा देना, सब कुछ ठीक कर रहे। घर से कब गए थे? 2-3-4-5 साल से काम कर रहा हूँ, 5 साल तक। हाँ वही पता लगा, सुबह 10 बजे बताया, मेरे बहन बताइए गांव से फोन आया था।
मेरी बहन ने बताई है। हाँ बहन की बताई अभी तीन भतीजे हैं मेरे, बड़े भाई के जो है लड़के हैं मेरे। फैक्ट्री में काम क्या होता था? वो बैग बनाते हैं, बैग थैला बैग, थैला बैग जी के बैग बनाते हैं। हाँ प्लास्टिक। तीनों फैक्ट्री एक तरह से इंटरकनेक्टेड है ऐसा? नहीं नहीं, अलग 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 थी, और लोगों की भी है अलग से। अच्छा, लेकिन मेरे भतीजे का एक ही जो है रूम था जिसमें उसमें 12-15 मशीनें लगी हुई थी। अच्छा, उस फ्लोर में जो है क्या नाम है, तीन फैक्ट्री। फैक्ट्री कब से चल रही थी यहाँ? तो जो है फैक्ट्री जो है बहुत दिनों से चल रही है।